श्रीमद्भागवतम से स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18 कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हंतायम अद्रिबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगनयोस्तर्योऽर्थ पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल वालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपयुक्त अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत चेतन चेतामृत मध्य 1834 से उद्धृत किया गया है। श्री वृषभनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्ध की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्चं शुभं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज गोवर्धन पूजा महामहोत्सव संपन्न हो रहा है। यहाँ पर आज से नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। भारत में आप भ्रमण करेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर नया वर्ष मनाया जाता है। बंगाल में आप जाएंगे तो वहाँ पर बैसाख जब प्रारंभ होता है तो उस समय नए साल की शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो अंग्रेजी महीना जनवरी, उस समय लोग नया वर्ष मनाते हैं। और गौड़ी वैष्णवों के लिए गौराब्द गौर पूर्णिमा, उस समय से नया वर्ष प्रारंभ होता है। और आज के दिन गोवर्धन पूजा, आज से भी नया वर्ष प्रारंभ होता है, विशेष रूप से गुजरात में। वहाँ पर इसको बड़ी ही धूमधाम से इस उत्सव को लोग मनाते हैं और विशेष रूप से श्री वल्लभ संप्रदाय में उनका जो है मुख्य उत्सव है। जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुख्य रूप से विशेष रूप से मनाते हैं, तो ऐसे श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय में गोवर्धन पूजा श्रीनाथ द्वारा वहाँ पर विशेष रूप से विशेष आयोजन किया जाता है और इस उत्सव को मनाया जाता है। तो आज से
नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज हम गोवर्धन, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जब उन्होंने अपनी लीलाएं की यहाँ पर, तो उसको धारण किया था। तो क्या गोवर्धन की महिमा है, क्यों इतना वो श्रेष्ठ हैं, उनकी महिमा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनका कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, इस भौतिक जगत में निरंतर हम माया से प्रभावित होते रहते हैं, माया हमको प्रभावित करती रहती है। भक्ति में तो बहुत ही कम समय है ना हम श्रवण कीर्तन में लग पाते हैं, अधिक समय तो माया के प्रभाव में ही होते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि माया से निकलने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं भगवान की भक्ति अलग अलग प्रकार से कर हम जो हैं भक्ति में उत्साह जागृत कर सकते हैं या प्रगत हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक मुख्य जो उपाय कि भक्तों का गुणगान करना, या भगवान ने अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं की हैं, जो अलग अलग भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनकी जीवनी पढ़ना या उनकी जीवनी के बारे में जानना कि किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की या किस प्रकार से वो भगवान के महान भक्त बने, तो उनके बारे में सुनने से क्या है, भक्ति में एक उत्साह जागृत होता है ना, धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसे महान भक्तों के बारे में श्रवण करना, है ना। इनके बारे में श्रवण करना क्या है, सुनो सुखदम शुभदम भवसारम, है ना, कि सुनने में जो है सुख प्रदान करने वाला, है ना। और शुभ, शुभ का अर्थ है कृष्ण भक्ति में शुभ, है ना, भौतिक रूप से नहीं, लोग कई बार शुभ का अर्थ भौतिक रूप से भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भक्ति के रूप में, उस रूप में शुभ का अर्थ है। तो भगवान के भक्तों की कथाएँ, उनके बारे में उनका गुणगान हमें सुनना है, कैसे, भगवान के भक्तों के संग में, श्रीमद् भागवतम में वर्णित किया गया है। आगे आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, पीछे से और लोग आएंगे तो बाद में बैठ जाएंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हितकर्ण रसायन कथा, ना भगवान के बारे में भगवान के भक्तों का गुणगान सुनना कैसा है, ये हमारे लिए रसायन के समान है, है ना, एक भवोषधि के समान है। तो जो इस रसायन को लेता है, तद जोशनादास अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी श्रद्धा जागृत होती है ना, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, और ज़्यादा उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है, और उससे श्रद्धा दृढ़ होने से भगवान के प्रति आकर्षण होता है, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति रति बढ़ती है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है। तो वृंदावन में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की, तो सभी लीला स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन लीला स्थलों में भी सबसे महत्वपूर्ण विशेष रूप से तीन जो है उनको बताया गया है। एक तो जो ब्रज की रज है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यमुना जी, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है गोवर्धन पर्वत, है ना, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी, इनके बिना वास्तव में भगवान की लीला संपन्न हो ही नहीं सकती। और भी स्थल हैं, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, अलग अलग स्थल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब स्थल तो समय के साथ लुप्त भी हो गए थे। तो बाद में आचार्य जब आए षट गोस्वामी, तो उन्होंने पुनः रूप से इनका सभी स्थलों का उद्धार किया, लेकिन जो गोवर्धन पर्वत है, यमुना जी हैं या ब्रजरज हैं, वो हमेशा से हैं, भगवान ने जब से लीलाएँ यहाँ पर उनकी लीला हुई तभी से ये सभी स्थल है, बाकी के स्थल लुप्त हो गए थे और समय के साथ फिर आचार्य उनको प्रकट करते हैं। तो इनमें भी लेकिन गोवर्धन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ना, यमुना जी और ब्रजरज में भी, क्योंकि स्वयं भगवान ने उसको धारण किया था और भगवान का भक्त भी है और एक प्रकार से भगवान से अभिन्न भी है। तो गोवर्धन पर्वत जैसे हम सुनते हैं, है ना, तो सामान्यतः आज अगर साइंस की दृष्टिकोण से देखें, है ना, तो पर्वत मतलब उनका विचार है कि ये तो जड़ है ना, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कहीं ऐसे भी पर्वत, उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे, है ना, पूर्व में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्वत जो है अपने आप उड़ करके जाते थे। तो आज जो आधुनिक विज्ञान उनको एक कल्पना लग सकता है ना, वो सोचता है कि तो जड़ है ना, पत्थर है, तो पत्थर कैसे चेतन हो सकता है ना। लेकिन हर एक का अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो इसी प्रकार से पर्वत का भी उनका भी एक व्यक्तित्व है ना। हर चीज़ का एक जल है, जैसे जल के रूप में है, उसका जल का एक व्यक्तित्व है ना। हम गंगा माता जो है कहते हैं, नर्मदा माता, अलग अलग इस प्रकार से। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्तित्व है। तो पर्वत जड़ नहीं है, है ना, वो चेतन है ना। इसलिए तो ये सारी सुविधाएँ हम चर्चा करेंगे कि कैसे सब वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत सारी उनके लाभ के लिए जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो सब प्रदान करता था। तो गोवर्धन पर्वत जो है उसका अगर हम इतिहास देखें तो देखें कि वृंदावन में गोवर्धन पर्वत स्थापित होने से पहले, वास्तव में ये मोबाइल बंद कर सकते हैं, ये द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे, है ना। एक पर्वत है द्रोणाचल पर्वत, तो उसके पुत्र थे गोवर्धन पर्वत। तो इनके संबंध में कथा आती है कि जब भगवान राम का प्राकट हुआ था पूर्व में, और भगवान राम लंका जाने के लिए उन्होंने सेतु का जब निर्माण किया, तो सेतु बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर चाहिए थे। तो सब वानर अलग अलग स्थानों से बड़े बड़े शिलाएँ लेकर के और समुद्र में डाल रहे थे जिससे कि पुल बने। तो उस समय हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे, तो हनुमान जी जो है ये गोवर्धन पर्वत को द्रोणाचल से लेकर के आए, और जब लेकर के वृंदावन मथुरा क्षेत्र में वो आए तो यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि अभी पुल का निर्माण हो गया है ना, पुल जो है पूरा बन गया है। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि अब इसको लेकर के उतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने फिर वहीं पर जो है गोवर्धन पर्वत को स्थापित कर दिया, रख दिया। और एक दूसरी भी इतिहास में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि, जो कि वाराणसी में उनका आश्रम था, तो उनके आश्रम के पास आसपास ऐसा कोई पर्वत नहीं था तो जिससे कि उनको वहाँ पर जो है सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके, हरी घास गायों के लिए या अलग अलग गुफाएँ, वो सब भजन अपनी पूजा साधन करने के लिए। तो द्रोणाचल से उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को मांग करके वो लेकर के अपने वाराणसी आश्रम में लाना चाहते थे। तो गोवर्धन पर्वत ने शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन जहाँ भी आप मुझे नीचे रख देंगे तो फिर मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊँगा, है ना। तो गोवर्धन पर्वत ने सुना था कि भविष्य में जो आगे चल करके भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और अपनी लीलाएँ करेंगे, है ना, तो मैं कैसे उनकी लीलाओं में भाग लूँ। तो इसलिए जब पुलस्त ऋषि लेकर के आ रहे थे तो गोवर्धन पर्वत जो क्या है और अधिक भारी हो जाते हैं, है ना। या वर्णन है कि पुलस्त ऋषि को अपने दैनिक जो क्रिया है, सोच क्रिया, उसके लिए जाना होता है, तो फिर कैसे नीचे रखना पड़ेगा, तो वो रख करके और जो है दैनिक क्रिया के लिए जाते हैं, लेकिन जब वापस लेने आते तो फिर शर्त के अनुसार गोवर्धन पर्वत वहीं पर स्थापित हो जाते हैं, जहाँ पर आज वर्तमान में हम देखते हैं जो कि स्थान है। तो उस कारण से थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं पुलस्त ऋषि, और वो श्राप देते हैं गोवर्धन को कि तुम मेरे साथ जो है नहीं चल रहे हो, इसलिए ये मेरा श्राप है कि हर दिन जो है तुम एक राई के दाने के बराबर, है ना, थोड़ा थोड़ा क्या है कम होते रहोगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत हर दिन जो है एक मुट्ठी बराबर, है ना, इस साइज में थोड़ा थोड़ा कम होते रहते हैं, उनका साइज जो है आकार घटता रहता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत की इतिहास है कि कैसे गोवर्धन पर्वत वृंदावन धाम में आए भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए। यहाँ पर गोपियाँ इस श्लोक में वर्णित कर रही हैं गोवर्धन पर्वत को हरिदास वर्यो, है ना, हरिदास करता भगवान का सेवक, है ना, सर्वश्रेष्ठ सेवक हरिदास वर्य, कि जो सेवकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सेवक के रूप में श्री गोवर्धन पर्वत का उल्लेख किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि और भी भगवान के श्रेष्ठ सेवक हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि सभी वैष्णवों में क्या है, शिवजी महान है ना।
और चेतन महाप्रभु का सिद्धांत है, चेतन महाप्रभु का दर्शन है। चेतन महाप्रभु कहते हैं रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु बर्गेन वाकल्पिता, कि सभी भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है कौन है, ब्रज गोपियाँ, है ना। उनसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त कोई भी नहीं। जो भक्ति, जो भगवान की सेवा गोपियों ने की वो और किसी ने नहीं की, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि चेतन महाप्रभु कह रहे हैं ब्रज गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, और यहाँ पर स्वयं ब्रज गोपियाँ वो क्या कह रही हैं कि ये गोवर्धन पर्वत जो है श्रेष्ठ है, है ना। तो वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, या शास्त्रों में मतलब शिव जी श्रेष्ठ हैं, राम जी के भक्त होंगे तो आप उनके पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, वो किसे श्रेष्ठ मानेंगे, हनुमान जी को कहेंगे, है ना, कि हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वास्तव में भगवान के जो सभी शुद्ध भक्त हैं वो सभी श्रेष्ठ होते हैं, उनमें कोई भी एक प्रकार से छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर भी एक रस विचार से अगर हम देखें तो पाएंगे कि जो चेतन महाप्रभु ने जो दर्शन दिया, है ना, उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि कैसे गोपियाँ जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं उनका एक गुण होता है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतामृत में वर्णन करते हैं, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधीन, कि जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के सेवक होते हैं वो अपने आप को कैसा मानते हैं, तृणाधीन, एक तिनके से भी तुच्छ मानते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है, बाकी के जो सब भक्त हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान की आराधना करने में, है ना, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन चूंकि श्रेष्ठ हैं तो इसलिए उनके अंदर वो स्वाभाविक विनम्रता है, तो उस कारण से वो विचार कर रही हैं कि हमसे भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, है ना, लेकिन वास्तव में गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। तो कैसे गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है, भगवान का श्रेष्ठ सेवक है, हरिदास, हरिदासों में हरिदास वर्य सर्वश्रेष्ठ सेवक है, उसका यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि अलग अलग प्रकार से उसने जो है भगवान की सेवा की, भगवान की और भगवान के ग्वाल वालों की और गोपियों की भी विशेष रूप से, है ना, क्योंकि जैसे वृंदावन में भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की, तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा स्थल है जो रासलीला का, यहाँ पर कि भगवान ने रासलीला की है, तो उसको सेवा कुंज, है ना, वृंदावन में आप जाएंगे अलग अलग छोटी छोटी गलियों में तो वहाँ पर सेवा कुंज एक स्थल है जिसको कि यहाँ पर लीला की है। लेकिन वही सिर्फ भगवान के रासलीला का स्थल नहीं है, रासलीला जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी की है, है ना। तो एक बार श्रीमती राधा रानी विनती करती हैं उनसे, है ना, तो उस विनती को स्वीकार करके फिर गोवर्धन पर्वत पे भी भगवान ये रासलीला अपनी संपन्न करते हैं। तो इसलिए भी इसको श्रेष्ठ बताया, क्योंकि भगवान और उनके जो प्रिय भक्त हैं गोपियाँ हैं उनकी लीलाओं को संपन्न करने में गोवर्धन पर्वत सहायता कर रहा है। और यहाँ पर इस तात्पर्य में वर्णन आ रहा है कि कैसे अलग अलग प्रकार से गोवर्धन पर्वत ने जो है भगवान की सेवा की या भगवान के भक्तों की सेवा की, है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत से जो है बहुत ही सुगंधित जल प्राप्त होता था, तो जब प्रतिदिन भगवान कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल गोचारण के लिए जाते थे अपनी गायों को चराने के लिए, तो गायों को पीने के लिए सुगंधित जल, फिर कृष्ण बलराम, है ना, और सभी ग्वाल बालों को पीने के लिए सुगंधित जल, इस प्रकार से अमृत के समान यहाँ पर उसको बताया गया है। और अलग अलग प्रकार के फल, है ना, आम का रस, शहद वो प्राप्त होता था, पीलू का रस, है ना, यहाँ पर वर्णन आ रहा है, पता है किसी को पीलू का रस क्या होता है, है ना, देखा नहीं, सुना नहीं हमने, पीलू का रस, है ना, तो ये यहाँ पर वर्णन है। या गायों के लिए जो है बहुत ही सुगंधित मुलायम घास, है ना, जिससे कि वो हरी घास खा करके और फिर सुगंधित दूध देती थी जिसको कि भगवान फिर पीते थे, भगवान ग्रहण करते थे, है ना, इस प्रकार से। या जो गोवर्धन पर्वत हैं तो उसमें अलग अलग कंदराएँ गुफाएँ थी, तो गुफाएँ क्या हैं, ऐसी थी वो कि जिसमें अत्यधिक अगर गर्मी है तो गर्मी के समय में कृष्ण बलराम और सब ग्वाल बाल उन गुफाओं में जाते थे, तो जिससे उनको ठंडक शीतलता प्राप्त होती थी, और ठंडी के समय में वो गुफा जो है गर्मी प्रदान करती थी। या जब बारिश हो रही है, है ना, तो बारिश के समय में फिर छत्ते के समान, छाते के समान एक जो है बारिश से बचने के लिए
भगवान को वो स्थान प्रदान करती थी सारी गुफाएं। और चिकने पत्थर यहाँ पर वर्णन है कि जिससे आप अपना जो है चेहरा उसमें देख सकते थे ना, दर्पण के समान इतना जो है चमकीला वहाँ से पत्थर प्राप्त होते थे कि कांच की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें दर्पण की आवश्यकता होती है चेहरा देखने के लिए। लेकिन वो पत्थर इतने जो है चमकीले होते थे कि जिसमें अपना जो है चेहरा देख सकते थे। अलग अलग शरीर को सजाने के लिए रत्न गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होते थे, है ना, या दीपक पत्थर बहुत चमकीले होते थे तो उससे प्रकाश, एक अनोखा अद्भुत जो है प्रकाश भी उत्पन्न होता था, जिस कारण से अंधेरे में आप कोई भी वस्तु है उसको देख सकते थे। तो इस प्रकार से ये सब प्रकार, अलग अलग प्रकार से गोवर्धन पर्वत ने भगवान और उनके भक्तों की, ग्वाल वालों की सेवा की, उस कारण से वास्तव में इसको यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं हरिदास बरियो, कि तुम जो है हरिदास भगवान के सभी सेवकों में श्रेष्ठ हो। तो गोवर्धन पर्वत जो है एक प्रकार से सेवक के रूप में, दास के रूप में भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न भी है। हम देखते हैं कि भगवान सभी नंद बाबा, माता सुधा, ग्वाल बाल, उनके सबको बोलते हैं कि सब जो है गोवर्धन पर्वत की आप जो है पूजा कीजिए, क्योंकि ये मुझसे स्वयं जो है अभिन्न है, है ना। भगवान गोवर्धन पर्वत के रूप में स्वयं अपने रूप को वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो एक प्रकार से अभिन्न भी है और सेवक के रूप में भी है, है ना, भगवान भी है, स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए हम भगवान के रूप में मान करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। अनेकानेक भक्त गोवर्धन पर्वत से शिलाएँ लेकर के आते हैं और वो शिलाओं को मंदिर में अपने घर में स्थापित करते हैं और भगवान के समान उनकी पूजा करते हैं। जैसे बलराम जी है, हम देखते हैं तो बलराम जी क्या है, स्वयं कृष्ण से अभिन्न है एक प्रकार से, लेकिन भगवान के सेवक भी हैं, है ना। बलराम जी जो हैं अलग अलग रसों में, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, सब प्रकार के रसों में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जैसे बलराम जी जो हैं वो भगवान भी हैं और सेवक भी हैं, भगवान के दास भी हैं, तो इसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत भी क्या है, भगवान से अभिन्न भी है और दास के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम गोवर्धन की पूजा भगवान के रूप में करते हैं, है ना। उनको जो है आज के इस विशेष दिन पर अलग अलग व्यंजन पकवान बना कर के भोग अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, क्योंकि ये सब भगवान ने विधि बताई है हमें, है ना। भगवान स्वयं सारे वृंदावन वासियों को लेकर के गए, जो उन्होंने सारी सामग्री इंद्र के लिए बनाई थी, तो वो सारी सामग्री भगवान ने कहा कि ये सब जो है आप गोवर्धन पर्वत को भेंट कीजिए, है ना, वो इन सारी सामग्री को स्वीकार करेंगे और जो भी हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं हमें प्रदान करेंगे। तो सब अलग अलग पकवान हैं वो सब लेकर के जाते हैं और गोवर्धन पर्वत को अर्पण करते हैं, है ना, और फिर सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इसको अन्नकूट भी कहा जाता है, है ना। अन्न का अर्थ होता है अन्न, चावल इस प्रकार से, या कूट का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, है ना। तो आज जो है पूरा चावल का या अलग अलग व्यंजनों का जो है एक पर्वत बनाया जाता है, है ना, अन्नकूट उसको, और फिर उसकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना, उसको गोवर्धन पर्वत के ही साक्षात उसी रूप में मान करके, तो सभी को वो परिक्रमा करने का और उसका एक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, है ना, और तो इस कारण भी उसकी महत्ता है, वो महान है भगवान के भक्तों में, क्योंकि भगवान स्वयं अपने हाथों में 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। तो 7 दिन 7 रात तक जो है सभी भक्तों को गोवर्धन पर्वत ने शरण प्रदान की, है ना, सारी अलग अलग प्रकार से सब भक्तों की उसने सेवा की, है ना। तो इसलिए भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान ने लीला की। तो वास्तव में एक माध्यम बनाया, है ना, जो इंद्र है उसको भगवान ने अपनी लीला करने के लिए एक माध्यम बनाया। जैसे हम देखते हैं कि इसमें, इस लीला में क्या है, इंद्र को थोड़ा सा अहंकार हो जाता है ना,
कि ये सारे लोग जो हैं मेरी पूजा को छोड़ करके उन्होंने एक पर्वत की पूजा कैसे की, है ना। तो वास्तव में इंद्र की पूजा की परंपरा तो चली आ रही थी, है ना, बरसों से जो सभी वृंदावनवासी है वो इंद्र की पूजा बारिश के लिए करते आ रहे थे। तो भगवान ने ये पूजा जो है सातवें साल में रुकवाई, है ना, जब भगवान 7 वर्ष के थे तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, धारण किया। तो उससे पहले भी भगवान जो है रोक सकते थे, है ना, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में भी वन करवा सकते थे, है ना। लेकिन वास्तव में 7वें साल में भगवान ने देखा कि इंद्र के अंदर क्या है, थोड़ा सा अहंकार आ गया है, है ना, वो अहंकारी हो गया है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा, अपने आप को ईश्वर समझने लगा, उसके अंदर ईश्वर का भाव आ गया। तो इस कारण से भगवान ने विचार किया कि इसको मुझे जो है शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि इंद्र भगवान का भक्त है, है ना, शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त है, कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंद्र बहुत ही महान है। वेदों में इंद्र के लिए स्तुतियां गाई गई हैं अलग अलग, है ना, बहुत महान स्तर है इंद्र का, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो व्यक्ति इंद्र का पद प्राप्त करता है, है ना। तो इसलिए जानता है कि कृष्ण जो है भगवान है, लेकिन फिर भी 7वें वर्ष में उसको अहंकार थोड़ा हो गया। तो भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो उस अहंकार को भगवान जान गए। तो भगवान ने विचार किया, भगवान दंड भी दे सकते थे, है ना, इंद्र को जाकर के और स्वर्ग लोग चले जाते, भगवान उसको दंड दे करके आ सकते थे, है ना, क्योंकि भगवान पहले गए भी थे। हम देखते हैं कि जब सत्यभामा में ने इच्छा की, भगवान की जो पटरानी है उन्होंने, कि पारिजात वृक्ष एक जो है हमारे द्वारिका में भी पारिजात वृक्ष हो, तो भगवान जो है सत्यभामा को लेकर के जाते हैं इंद्र के नंदनकानन वन, और वहाँ से पारिजात वृक्ष लेकर के आते हैं, है ना, इंद्र युद्ध भी होता है। तो भगवान वो भी कर सकते थे कि डायरेक्ट सीधे जाकर के और इंद्र को दंड दे सकते थे, लेकिन भगवान के समक्ष इंद्र क्या है, है ना, ऐसे कई कई ब्रह्मांड में कई कई प्रकार के इंद्र हैं, तो इंद्र तो जो है भगवान के समक्ष एक मच्छर एक चींटी के जैसा है, है ना। तो एक हाथी अगर एक जो है चींटी को मारे दंड दे, तो उसमें उसकी कोई महानता, है ना, नहीं है, है ना। कोई हाथी बोले कि मैंने चींटी को मार दिया, तो लोग क्या उसमें कोई वो महानता की बात नहीं है, है ना। तो भगवान ने इसलिए सीधे उसको रूप से दंड नहीं दिया, भगवान ने विचार किया कि कैसे, ठीक है, इंद्र यहाँ पर जो है अहंकारी हुआ है, तो इंद्र के माध्यम से भगवान का जो उद्देश्य है कि भगवान अपनी लीलाएं करते हैं किस लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना, जो भक्त हैं उनके उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो कैसे मेरे भक्तों को आनंद प्राप्त हो, मेरे भक्त निरंतर 7 दिन 7 रात हर समय जो है हर क्षण मेरा दर्शन कर पाएँ और वो आनंदित हो पाएँ, तो भगवान ने ये विचार किया कि इस इंद्र के अहंकार को, इंद्र के घमंड को मैं माध्यम बनाऊंगा, एक निमित्त बनाऊंगा अपने भक्तों के साथ अपने दिव्य आनंदमयी लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ने उस इंद्र के अहंकार को माध्यम बनाया। और हम यहाँ से सीख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि कोई कितना भी बड़े से बड़े पद पर व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, इंद्र जैसे महान पद पर भी क्यों ना हो, इंद्र ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, है ना, कि कृष्ण भगवान नहीं है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ था तो उस समय सभी देवता वहाँ पर आए थे, इंद्र भी था, है ना, स्तुति की थी भगवान की, है ना, गर्व स्तुति है, श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध। तो इंद्र जानता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि माया जो है वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी जो है वो भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, है ना। माया के कारण, तो उसके प्रभाव के कारण हम भूल जाते हैं वास्तव में, है ना, हम स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ईश्वर वो अहम अहम भोगी भगवान भगवता में कहते हैं, है ना, हम अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, है ना, भगवान वास्तविक भोक्ता हैं, भगवान वास्तविक ईश्वर हैं, तो उस पहचान को उसको हम भूल जाते हैं। तो इंद्र भी भूल गया, महान पद पर था, है ना, जानता था, स्तुति की थी, भगवान की प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से भूल गया। तो ये वास्तव में माया का प्रभाव है कि बड़े से बड़ा कोई कितना ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी क्यों ना हो, है ना, चाहे भगवान का भक्ति क्यों ना हो, वो भी माया के प्रभाव से
भगवान से जो उसका संबंध है उस संबंध को भूल सकता है, है ना, और भूल करके पूर्ण रूप से फिर माया के प्रभाव में आ सकता है। तो अहंकार इस प्रकार से इंद्र को हो गया और अपने आप को श्रेष्ठ वो मानने लगा कि कृष्ण क्या है, ये तो एक सामान्य बालक है, है ना, ये तुच्छ साधारण जो है बालक के कहने पर इन लोगों ने जो है मेरी पूजा बंद कर दी, तो इसलिए मैं इन सबको दंड दूंगा, है ना। और भगवान यहाँ पर शिक्षा भी देना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने इस लीला के माध्यम से अपने सभी भक्तों को वास्तव में कृपा प्रदान की, है ना। ग्वाल वालों को, गोपियों को जो है भगवान कृपा प्रदान कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत को भगवान कृपा दे रहे हैं और इंद्र को भी कृपा दे रहे हैं, लेकिन कृपा देने का तरीका अलग अलग है, है ना। इंद्र को भगवान दंड के माध्यम से कृपा दे रहे हैं और ग्वाल वाल हैं, है ना, वो सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उस रूप में उनको कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कई बार हम उस कृपा को समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे एक माता है, तो एक माता उसका एक बच्चा है तो उसको चॉकलेट दे सकती है, है ना, लेकिन वही दूसरा बच्चा है तो उसको चाटा भी मार सकती है, तो देखने वाला कहेगा कि ये क्या है, ये पक्षपात कर रही है, माँ तो पक्षपात नहीं करना चाहिए, दोनों पुत्रों से समान प्रेम होना चाहिए, है ना, एक को तो चॉकलेट दी और एक को जो है चाटा मार दिया। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, है ना, एक पुत्र के लिए कि उसके लिए चाटा खाना आवश्यक है, है ना, और दूसरे के लिए जो है चॉकलेट आवश्यक है, तो वो माँ की कृपा है दोनों के लिए, है ना, माँ दोनों से बच्चों से जो है समान रूप से प्रेम करती है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई भेद है। इसी प्रकार से भगवान के ही सब जो है संतान हैं, हम सब अंश हैं, तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन कृपा देने का तरीका जो है अलग अलग है, है ना, एक को दंड के माध्यम से दे रहे हैं और किसी को कृपा के माध्यम से। तो जो सामान्यतः नए भक्त होते हैं, नवागंतुक होते हैं, भक्ति में उतने प्रगत नहीं हैं, तो हम क्या है उस कृपा को समझ नहीं पाते हैं कई बार कि भगवान की हम पर जो है कृपा हो रही है, है ना। इसलिए कई बार आपने देखा होगा टीवी में, फिल्म में दिखाते हैं, है ना, हीरो मंदिर की घंटी बजा रहा है, वो बोल रहा है कहाँ है भगवान, इतने कष्ट आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं मुझे, आप हटाइए तो मैं आपको मानूंगा कि आप भगवान हैं, नहीं तो क्या है, कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति हो बस, है ना। तो लोग नास्तिक बन जाते हैं वो दृश्य देख करके सब, कि देखो हीरो ने जो है ये सब किया और उसको भगवान आए ही नहीं, मंदिर से प्रकट ही नहीं हुए भगवान, तो ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, है ना। लेकिन कई बार कष्ट के रूप में भी भगवान की कृपा हो सकती है, है ना। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए भक्तों की दृष्टि चाहिए वास्तव में, है ना, भक्तों के संग से हम जो है देख सकते हैं कि कष्ट में कष्ट आ रहे हैं, संकट है, तो कैसे वो भगवान की कृपा है ना। भगवान के भक्त उस रूप में लेते हैं कि ये भगवान की कृपा है, तो भगवान की ही शरण में जाते हैं, है ना। जैसे वृंदावन में जब बारिश की इंद्र ने, तो सब वृंदावन के वासी क्या है, भगवान कृष्ण की शरण में गए, ऊपर कष्ट आया, संकट आया, लेकिन भगवान की शरण में गए, क्योंकि भगवान के भक्त थे, है ना। लेकिन कोई दूसरा जो स्तर पर नहीं भक्त नहीं है, तो वो भगवान से अश्रद्धा हो जाती है कि कोई भगवान नहीं है, है ना, मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट आ रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, है ना, तो प्रतिदिन जो है माला जप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, सारे नीति नियम पालन कर रहा हूँ, और फिर भी जो है घर में सुख शांति नहीं है, है ना, शुभ लाभ नहीं है, कष्ट पे कष्ट आए जा रहे हैं, तो क्या है, है ना। तो ऐसी दृष्टि में जो है वास्तव में भक्तों की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम गलत रूप में समझ सकते हैं। या कई बार भक्त होते हैं नवागंतुक भक्त, तो कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो क्या करते हैं, चलो सो जाते हैं, है ना, तो फिर जाकर के जो है सो जाते हैं, तो घंटों घंटों सोए रहते हैं, तो उससे सोचते हैं थोड़ा सा शांति हो जाएगी, कष्ट जो हैं चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति में हमें भक्तों की शरण लेनी चाहिए, जो प्रगत भक्त हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये कष्ट आ रहे हैं तो इन कष्टों में कैसे हम देख पाएं कि ये भगवान की कृपा है, कैसे समझे वास्तव में, है ना, कि ये भगवान की हम पर जो है कृपा हो रही है। तो वो भक्तों भक्त हमें बताएंगे, जो प्रगत है जो भक्त हमें बताएंगे, नहीं तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, कष्ट भी भगवान की कृपा है या कष्ट नहीं भी आ रहे हैं, तो वो भी दोनों ही भगवान की
कृपा है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो भगवान अपनी कृपा देने का तरीका अलग हो सकता है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए वो तरीका जो है अलग अलग हो सकता है ना। जैसे हम आचार्यों के जन्म में देखते हैं तो कई आचार्यों के जन्म में तो इस प्रकार के कष्ट आए, लेकिन उसको भी वो कृपा मान रहे हैं भगवान की, ये भगवान की कृपा है, प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। जैसे जयदेव गोस्वामी है ना, तो जयदेव गोस्वामी के तो जो है हाथ कट गए थे, है ना, उनके पैर भी कट गए थे। ऐसा नहीं कि भक्त हैं तो कष्ट नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगे, अभी हमारे हाथ पैर कट जाए किसी के तो, है ना, पूरा हम तो भूल ही जाएंगे कि भगवान है कोई ज़िंदगी में, फिर कभी जो है पलट कर मंदिर नहीं आएंगे कि मुझे पता चल गया, साक्षात्कार हो गया मुझे, कोई भगवान नहीं, भगवान अगर होते तो मेरे हाथ पैर कटते क्या लेकिन जयदेव गोस्वामी के जो है हाथ पैर जब कट गए तो वो क्या विचार कर रहे हैं कि भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा की कि जो हाथ मेरे जो हैं सब गंदे काम करते थे तो अच्छा है कट गए, अब इनसे जो है गंदे काम नहीं होंगे, पैर सब जो है गंदे स्थानों पर जाते थे चल करके, है ना, तो अच्छा है ये कट गए, अब जो है कोई भी गंदे स्थानों पर इनका चल करके जाना नहीं होगा। या और भी हम देखते हैं, एक आचार्य हैं वो अंधे हो गए थे अपने अंतिम समय में, है ना, तो उस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा है ये आँखें जो है अंधी हो गई, क्योंकि हमेशा जो है सब गंदी गंदी चीज़ें गंदा दृश्य देखती रहती हैं, है ना, तो इस प्रकार से इनके लिए अंधा हो जाना ही अच्छा है, जिससे कि मैं अपने अंतर हृदय में हमेशा जो है अब आपके सुंदर मुख कमल का दर्शन कर सकता हूँ, है ना, निरंतर आपके सुंदर को मैं निहार सकता हूँ, तो इस प्रकार से देख रहे हैं। इसलिए भक्तों के दृष्टिकोण से वास्तव में हमें भगवान की कृपा को देखना होगा अपने जीवन में, कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है अगर समस्या भी आ रही है, कष्ट भी आ रहे हैं, तो वो भगवान की कृपा है, और हम जो हैं अपनी श्रद्धा उस स्थिति में और वास्तव में बढ़ानी चाहिए, है ना, भगवान के प्रति। लेकिन भक्तों के संग से ही वो संभव है, अगर भक्तों का संग नहीं है, भक्तों के मार्गदर्शन में हम उसको देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को भगवान ने कृपा दी, है ना, 7 दिन 7 रात तक सारे वृंदावन के वासी जो हैं भगवान के साथ थे, है ना, भगवान को देखते रहे। इंद्र को तो उसका अहंकार नष्ट किया, दंड दिया, वो उस रूप में शिक्षा दी, कृपा की, लेकिन भक्तों के लिए विशेष रूप से कि सब भक्त जो है साथ थे, है ना, जिससे कि इसके पहले कभी संभव नहीं था। जैसे नंद बाबा हैं, माता यशोदा है, तो दिन के समय तो क्या है, भगवान गायों को चराने के लिए निकल जाते थे हर दिन, है ना, तो नंद बाबा माता यशोदा भी साथ नहीं रह पाते थे, या रात में सिर्फ जो है गोपियाँ भगवान के दर्शन कर पाती थी, है ना, रात्रि के समय, तो सभी भक्तों के लिए जो है संभव नहीं था। लेकिन ये लीला के माध्यम से 7 दिन 7 रात सारे भक्त जो है निरंतर हर क्षण भगवान का दर्शन कर पाए, भगवान को बस देखते रहे, भगवान को जो है सुंदर को निहारते रहे, और भगवान को देखने से उनको आनंद प्राप्त होता रहा। तो भगवान यही चाहते हैं कि कैसे उनके जो भक्त हैं वो आनंदित हों, है ना, प्रसन्न हों, उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो, तो इस लीला के माध्यम से भगवान सारे जो हैं भक्तों को 7 दिन और 7 रात्रि तक जो है उन्होंने आनंद देते रहे। फिर भी जो है इतना विशाल पर्वत उठाया, धारण किया 7 दिन 7 रात, है ना, एक प्रकार से चमत्कार है ना, ईश्वर सारे वृंदावनवासी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, भगवान कृष्ण को जो है माता यशोदा है तो अपना पुत्र या ग्वालवाल है अपना मित्री मान रहे हैं, है ना, जैसे माता यशोदा है तो जब थे 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत के नीचे और भगवान ने उठा कर रखा हुआ है ना, तो माता यशोदा कहती हैं कि तुम्हारा जो है हाथ दर्द होने लगा होगा, इतने दिनों से उठा कर रखा था, थोड़ा हाथ बदल लो है ना, तो वहाँ पर ये विचार नहीं कि इतना विशाल जो है पर्वत ये उठाया हुआ है ना, तो वो आवश्यक नहीं है भगवान के लिए जो है हाथ बदलने के लिए, भगवान को दर्द हो रहा है, लेकिन प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है ना, प्रेम बस जो है कि माता सुधा कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण को कि, या सब मित्र हैं तो मित्र हम देखते हैं कि वो लाठी है ना लगा कर रखे हुए हैं, पिक्चर है यहाँ पर है ना, तो कृष्ण को कह रहे हैं कि थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, हम थोड़ा सा जो है सहारा लगा देते हैं तो सभी ग्वाल बाल जो है पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठी जो है लगा रहे हैं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है सभी भक्तों का
भगवान के साथ व्यवहार है, वहाँ कृष्ण को जो है भगवान नहीं मान रहे हैं, कितना विशाल जो है शक्ति दिखा रहे हैं भगवान, है ना, संपूर्ण शक्तिमान के रूप में वहाँ पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो उस रूप में नहीं, भगवान को अपने बस एक साधारण जो है मित्र हैं हमारे, इस प्रकार से ठीक है, थोड़ा सा जो है कभी कभी ये चमत्कार कर देते हैं कृष्ण कुछ अद्भुत जो है ना, तो हर बार ऐसा ही जो है वो विचार करते थे ना, इससे पहले भी जैसे बहुत सारे असुरों का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग, तो लेकिन विचार उनका यही था कि ठीक है चमत्कार सब दिखा रहे हैं लेकिन है जो है हमारे मित्र हैं, हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार से सारे वो विचार करते हैं। तो इस प्रकार से कृपा दी, तो इंद्र का जो अहंकार था, हम देखते हैं कि उस अहंकार के कारण वास्तव में इससे हम समझ सकते हैं कि अहंकार कितना जो है व्यक्ति को अंधा कर देता है ना, अहंकार के कारण क्या हो जाती है, बुद्धि जो है पूरी भ्रष्ट हो जाती है। भगवान जैसे भगवद गीता में वर्णन करते हैं द्वितीय अध्याय में, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, है ना, क्रोध होने से जब इंद्र की पूजा जो है स्वीकार नहीं की गई तो इंद्र क्रोधित हो गया, क्योंकि वो अहंकार के कारण उसको अपना मान प्रिय था, सम्मान उसको चाहिए था, तो इसलिए उसने जो है आक्रमण किया कि सारे वृंदावन वासियों को मैं मार दूंगा, है ना, कृष्ण है बालक है इसको भी मैं मार दूंगा, इन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, तो सबको देवताओं को सबको उसने जो है इस प्रकार से वृंदावन को नष्ट करने के लिए भेजा, लेकिन स्वयं अपने अपमान के लिए तो वो भेज नहीं सकता है ना, क्योंकि देवता आपत्ति कर सकते थे, ठीक है तुम्हारा अपमान किया है तो थोड़ा सहन कर लो तो इसलिए इंद्र ने क्या कहा सब देवताओं को कि इसने जो है ये पूजा बंद करवाकर सारे देवताओं का अपमान किया है। वास्तव में हुआ था इंद्र का अपमान, है ना, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन स्वयं इस प्रकार से सब देवताओं को कहता तो ये जो है देवता इस प्रकार से आपत्ति जाता था, है ना, कि भाई तुम्हारा अपमान हुआ तुम थोड़ा सा सहन कर लो, है ना, उसमें आक्रमण करने की क्या आवश्यकता है, इनको नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उसने कहा कि ये तो सारे देवताओं का अपमान है, है ना, तो इसको किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार से फिर सारे देवता भी इंद्र के साथ हो जाते हैं, और इतना उस अहंकार के कारण इंद्र हम देखते हैं कि पूरी बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है, है ना, तो क्या करता है संवर्तक बादलों को भेज देता है, जो बादल प्रलय के समय बारिश करते हैं, है ना, वर्णन है कि जब प्रलय होता है सृष्टि के अंत में उस समय ये संवर्तक बादल हजार वर्षों तक, इतना इनमें जल होता है कि ये हजार वर्षों तक जो है बारिश कर सकते हैं, और एक बारिश की बूंद ये एक रूम के बराबर होती है, कमरे के बराबर, इतनी मोटी मोटी जो है खंभे के समान बारिश की बूंद गिरती है, इसलिए शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन इंद्र इतनी उसकी जो है उस क्रोध के कारण अपमानित होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि वो विचार नहीं कर पाए, सारी उसने जो है बस कैसे भी इनको बस मारना है, अब तो नष्ट करना है ना, इसलिए ऐसे बादलों को भेजा संवर्तक बादलों को, है ना, मान लीजिए अभी ये पटेल नगर का एरिया है ना, तो इस एरिए के लिए पूरी भारत की जो है यहाँ नष्ट करने के लिए फोर्स आ जाए, तो ये तो कोई सरकार की बुद्धिमानी है क्या है ना, कि छोटे से जो है पटेल नगर के लिए जो है पूरी इंडिया की जो है फोर्स यहाँ पर आ गई, सारी शक्ति जो है इसके लगा दी तो ये कोई बुद्धिमानी, इसको कहेंगे कि मूर्खता है ना, पूरी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई, तो ऐसे इंद्र की बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई, ये सारे संसार के विनाश जो है करने वाले जो बादल हैं वो बादल जो है एक वृंदावन को नष्ट करने के लिए उसने भेजे, तो क्रोध में ये होता है, अहंकार में ये होता है ना, हम शिक्षा ले सकते हैं यहाँ पर कि अहंकार जब होता है, और अहंकार क्या है ना, अहंकार ये है कि हम अपने आप को कृष्ण से अधिक मानना है ना, जैसे कई बार अहंकार समझा जाता है कि मैं या मेरा का भाव है ना, तो वो भी एक उस रूप में भी अहंकार होता है, मैं और मेरा के रूप में भी भाव करना मानना है ना, लेकिन वास्तविक रूप में इस प्रकार से कि कृष्ण से अपने आप को श्रेष्ठ समझना है ना, श्रेष्ठ मानना कि कृष्ण से मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो जब भगवान कृष्ण हैं और उन्होंने जब पूजा बंद करवा दी तो फिर इंद्र को मानना चाहिए था कि ठीक है स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वो मिथ्या अहंकार के कारण उसने स्वीकार नहीं किया है ना, और सारी जो है नष्ट करने के लिए ऐसे बादलों को भेज दिया, सारी जो है अपनी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण तो भगवान है ना, तो दिखाया इंद्र को कि कैसे तुम्हारे लिए ये सब संभव नहीं है, है ना, तुम्हारी शक्ति क्या है, वो शक्ति तुम्हें जो प्राप्त हो रही है वो भी मुझसे ही आ रही है ना, भगवान ही सारी देवी देवताओं को जो भी उनके पास कुछ शक्ति है
वो भगवान ही देने वाले हैं। भगवान भगवता में वर्णन करते हैं जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी उनके पास वरदान हैं, मय्येव विहितानि तानि, भगवान के द्वारा ही वो उनको प्रदान किए जाते हैं। अगर भगवान अनुमति नहीं देंगे तो देवताओं के पास कोई भी शक्ति नहीं हो सकती, या कोई भी जो किसी को वरदान भी देते हैं तो वो वरदान भी बिना भगवान के उनको प्राप्त नहीं हो सकते। तो वास्तव में भगवान ही देने वाले हैं सारे देवता इंद्र जो भी शक्ति उनके पास है सब कुछ, लेकिन उस अहंकार के कारण वो शक्ति का क्या है, भगवान की सेवा में लगाकर इंद्र ने यहाँ पर दुरुपयोग किया है ना, भगवान को ही स्वयं नष्ट करने का प्रयास किया, भगवान को मारने का प्रयास किया है ना। लेकिन अंतिम में साक्षात्कार हुआ, जब सारी 7 दिन 7 रात तक सब कुछ शक्ति को उन्होंने अपनी लगाया, वो प्रदर्शित की, जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर सारा अहंकार नष्ट होकर के और भगवान की वो शरण में जाता है। तो भगवान ठीक है क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो वो उस अहंकार को नष्ट करना ही चाहते थे है ना, इंद्र के उसको शिक्षा देना ही चाहते थे। लेकिन भगवान क्या है, भगवान का एक गुण है दक्षता। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के अनेक अनेक गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, उसमें से एक गुण है कि भगवान क्या है, दक्ष हैं है ना। दक्ष मतलब कि भगवान एक साथ जो है बहुत सारे कार्य करते हैं है ना, भगवान अपने भक्तों को कृपा भी दे देते हैं, असुरों का विनाश भी करते हैं है ना। जैसे जरासंध है या दुर्योधन है, उसके माध्यम से भगवान ने सारे संसार के असुरों का नाश कर दिया। भगवान चाहते तो जरासंध और दुर्योधन इनको मारना क्या भगवान के लिए कोई बड़ी बात थी, वो आसानी से मार सकते थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि इनको अगर मार दूंगा तो फिर जो हमारा अवतार हुआ है ना, विनाशाय च दुष्कृताम है ना, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो क्या होगा, सारे भारत में सारे विश्व में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये इतने जो हैं दुष्ट आत्मा है कि इनको छोड़ देंगे, तो ये सारे जो अलग अलग ब्रह्मांड में जो भी असुर फैले हुए हैं है ना, वो सारे असुरों को इकट्ठा करके और एक ही स्थान पर ले आएंगे। तो हम देखते भी हैं है ना, जब जरासंध बार बार आक्रमण किया लेकिन उनको छोड़ दिया भगवान ने, जीवित सेना को सारी मार दिया, तो हर बार सारे विश्व से जो इकट्ठा करके और वो लेकर के आता था आक्रमण करने के लिए है ना, ऐसे जो गंदे व्यक्ति हैं सब असुर हैं उनको। तो इस प्रकार से सारे पृथ्वी से सारे संसार से भगवान ने असुरों को समाप्त कर दिया। तो भगवान क्या है, बहुत ही दक्ष हैं है ना, भगवान हर एक स्थिति को जो है अपनी लीला संपन्न करने के लिए योग्य बना लेते हैं है ना, ये उनके अंदर जो है दक्षता है। यहाँ पर इंद्र के अहंकार को भी भगवान ने अपनी लीला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए उसको उपयोगी बना लिया है ना, और 7 दिन 7 रात तक भगवान अपने भक्तों को आनंद देते रहे। तो इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है ना, और गोवर्धन अलग अलग जो हैं लीलाएँ तो बहुत सारी जो हैं भागवतम में ये लीला के माध्यम से शिक्षा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अलग अलग लीलाओं में जो है माना गया है ये गोवर्धन पर्वत है ना, क्योंकि बहुत भगवान आकर्षक इसमें लग रहे थे इस लीला में ना, सभी भक्त उनके साथ थे, ऐसी हर लीला में नहीं है, हर लीला में कुछ भक्त थे है ना, कुछ भक्त नहीं भी थे, लेकिन ये लीला में हम देखते हैं कि सारे वृंदावनवासी जो है 7 दिन 7 रातों तक सब भगवान के साथ में है ना, कि ग्वाल वाल बछड़े सब कुछ गायें है ना, सब कुछ जो है साथ में है भगवान के, हर क्षण वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को जो है देख रहे हैं है ना, इस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है। तो बहुत ही अद्भुत ये लीला है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है ना, सभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं, हरिदास वर्यो है ना, भगवान के जो दास हैं उनमें गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ है, और एक दृष्टिकोण से कोई मतभेद नहीं है कि गोपियां जो हैं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हरिदासियों में है ना, ये गोवर्धन पर्वत जो है हरिदासों में श्रेष्ठ है, और भगवान की जो दासियां हरिदासियां तो उनमें सभी गोपियां ब्रज गोपियां श्रेष्ठ है। तो इस गोवर्धन पर्वत की चूँकि हम भगवान से अभिन्न है तो भगवान के रूप में भी पूजा करते हैं है ना, लेकिन मुख्य रूप से वो भगवान के भक्त रूप से सेवा कर रहे हैं है ना, भगवान की जो कि हमने यहाँ पर चर्चा की, अलग अलग प्रकार से सारी सुविधाएं भगवान को कृष्ण बलराम को उनके ग्वाल वालों को प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए गोवर्धन पर्वत की, हमें शरण लेकर के उनसे प्रार्थना की कैसे हम जो भाव है वो भाव को ग्रहण कर पाएँ है ना, उस सेवा के भाव को हम जो हैं जागृत कर पाएँ, हम भी जो हैं भगवान के हरिदासों में शामिल हो पाएँ है ना, हरिदासों में श्रेष्ठ हम भी बन पाएँ। तो कैसे वो बन पाएंगे, जब इस प्रकार से श्रेष्ठ सेवा करेंगे है ना, तभी तो हम दास कहे जाएंगे ना, कोई सेवा अगर हो ही नहीं रही है तो फिर दास भगवान के सेवक कैसे हैं है ना, सेवक बनना है तो उसके लिए फिर
सर्वश्रेष्ठ रूप से हमें सेवा भी करना पड़ेगी। सारा हमारा जो प्रयास है, अपनी क्षमता है ना, उस क्षमता को भगवान की सेवा के लिए हमें उपयोग करना होगा, है ना। तो एक महत्वपूर्ण हम शिक्षा ले सकते हैं ये गोवर्धन पर्वत से कि कैसे वो भगवान के सभी भक्तों में श्रेष्ठ बने। तो हम भी ऐसी जो है सेवा करके, और विशेष रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो है भगवान से भी ज़्यादा भगवान के भक्तों की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं ना, गोपियों को, ग्वाल वालों को, उनकी गायों को सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं, है ना, हरी घास दे रहे हैं, उनको राहत प्रदान कर रहे हैं, है ना, गुफाएँ दे रहे हैं जिससे सब सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए बताया शास्त्रों में कि भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों की सेवा, है ना, जो उनके सेवकों की सेवा में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, हम भी जो है भगवान के महान भक्तों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, हम भी भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए कुंजी है, उपाय है भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करना, है ना। इसलिए चेतन महाप्रभु का दर्शन क्या है, गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास, जो शुद्ध भक्ति का भाव है कि हमें अन्याभिलाषिता रूप से भगवान की अहेतु की शुद्ध भक्ति में लगना है। कैसे, भगवान के भक्तों के माध्यम से, सेवकों के सेवकों के सेवकों, दासों के रूप में, है ना। इस प्रकार से उस भावना में हमें सेवा करने का प्रयास करना है, तो भगवान फिर हमें जो है अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेंगे, हमें अपना भगवान अपना जो है हमें प्रिय बना लेंगे, जो कि जीवन का उद्देश्य है, है ना, भगवान का प्रिय बनना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन कृष्ण प्रेम तो किसके पास है, भक्तों के पास है, है ना, गोवर्धन पर्वत हैं, ऐसे भक्त हैं उनके पास है, तो उनकी शरण हमें लेनी होगी। इसलिए अलग अलग आचार्य हैं वो गोवर्धन पर्वत की शरण ले रहे हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी प्रार्थना में वर्णन करते हैं कि प्रमोद मोदन लीला कंदरे कंदरे निज निवासम देही गोवर्धन त्वम, है ना, कि हे गोवर्धन, है ना, आप जो है अपने निकट जो है निज निवासम देही, मुझे जो है स्थान प्रदान कीजिए जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, है ना। तो वास्तव में रूप गोस्वामी उनकी एक पुस्तक है उपदेशामृत, उसमें वर्णन करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है जो मथुरा क्षेत्र है वो बहुत ही श्रेष्ठ है, है ना, लेकिन मथुरा से भी श्रेष्ठ बताया गया है वृंदावन को। और फिर वहाँ पर तुलना करते हैं कि वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है पूरे वृंदावन क्षेत्र में, ये गोवर्धन, है ना, वो श्रेष्ठ है। और गोवर्धन में भी एक दृष्टिकोण से राधा कुंड है, श्याम कुंड है, तो वो गोवर्धन का ही भाग है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रपात के गुरु महाराज को वर्णन करते हैं कि एक जो भक्ति में उतना प्रगत नहीं, उन्नत नहीं है, ऐसे व्यक्ति की योग्यता नहीं है कि वो गोवर्धन पर्वत के पास राधा कुंड और वहाँ पर निवास कर पाए, है ना, श्याम कुंड में। बहुत सारे भक्त प्रयास करते हैं लेकिन उनका क्या होता है, फिर पतन होता है नकल करने के कारण, है ना, क्योंकि ऐसे स्थान जो है उच्च भक्तों के लिए है श्याम कुंड राधा कुंड में निवास करना। तो इसलिए आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि निज निवासम देही गोवर्धन त्वम, आप जो है मुझे स्थान प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी शरण में रह सकूं और यहाँ से फिर जो है राधा कुंड श्याम कुंड और ये स्थलों की जो है मैं सेवा कर सकूं, क्योंकि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी से भगवान से अभिन्न स्थल है ना, तो उस सेवा के लिए योग्यता भी चाहिए वो सेवा करने के लिए। तो इसलिए आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि हमें डायरेक्ट जो है ऐसे उच्च स्थानों में श्याम कुंड राधा कुंड वहाँ पर जो है रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना, हमें भक्तों की शरण लेनी चाहिए। भक्तों की शरण लेकर के तो ऐसे आचार्य हर दिन गोवर्धन के वहाँ पर रहते थे और फिर वहाँ से प्रतिदिन श्याम कुंड राधा कुंड है उनकी सेवा करने के लिए जाते थे, है ना। तो गोवर्धन भक्त के रूप में है तो वो हमें इस प्रकार से शरण देंगे, उनकी शरण लेकर के हम वास्तव में फिर सही रूप से भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं इस लीला के माध्यम से जो भगवान ने गोवर्धन लीला की, कैसे हम गोवर्धन का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी भक्ति को बढ़ाएं, है ना, भगवान और उनके भक्तों की सेवा में लग करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम भक्ति में प्रगत बने। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि हम अहंकारी नहीं हो, है ना, जैसे इंद्र जो है अहंकारी हो गया, तो अहंकारी अगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धि हमारी पूरी भ्रष्ट हो जाएगी, है ना, और फिर हम माया के प्रभाव में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि माया हमें फिर कहाँ कहाँ जो है ब्रह्मांड में भ्रमण कराए उसका कोई पता नहीं, है
है ना। एक बार व्यक्ति जो है माया के प्रभाव में आया था तो फिर ब्रह्मांड में जो है भ्रमण करता रहता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, है ना। जब तक कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना, भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हो तब तक फिर वो भ्रमण करता रहता है। तो वो सब किस लिए होता है? ये अहंकार के कारण, है ना, भगवान से अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण। तो इससे अच्छा है कि हम जो हैं अपनी जो वास्तविक पहचान है, है ना, भगवान के भक्तों के संग में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन उनकी सेवा करने से उसको बनाए रखें कि हम जो हैं वास्तव में सेवक हैं, सेवकों के सेवक, है ना। यह हमारी स्वाभाविक स्थिति है, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, इस रूप में हमें जो है भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करनी, उनको आनंद प्रदान करना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल है। धन्य हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की जय, गोवर्धन धारी की जय, श्रीमद्भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम।